Good morning, students. I am your teacher, Mrs. Sonam Soni from Sanskriti Gurukulam. है ना? आपको सबको अपने स्कूल का नाम तो अच्छे से याद होगा. Yes. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ेंगे मैचिंग्स. 1 to 20 तक हमने पढ़ा है ना, और हमें काउंटिंग्स भी आती है 1 to 20. तो आज हम करेंगे, हमने 1 to 10 की मैचिंग पहले लास्ट वीडियो में की थी ना बेटा, आज हम करेंगे 11 to 20 मैचिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग रेडी है ना मैचिंग्स करने के लिए? और ये तो आपको पता ही, मैचिंग्स कैसे करते हैं, हम मिलाएंगे नंबर्स को उनके राइट पिक्चर से. उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स को देखेंगे और फिर उन नंबर्स में जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं उनको काउंट करेंगे और फिर सही नंबर को उसकी जगह पर रख देंगे. ओके स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करें. ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सीट रखी हुई है, देख रहे हैं ना, देखिए शीट है ना, इसमें क्या बना हुआ है बेटा, ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये क्या बने हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं. अब हमें क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को काउंट करना है, फिर हमें चेक करना है कि ये राइट नंबर है या नहीं है. तो चलिए हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इन डॉट्स को काउंट करेंगे. तो कितने डॉट्स हैं मेरे साथ, काउंट कीजिए सब लोग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. तो ये यहाँ पे कितने डॉट्स है बेटा, 11, लेकिन यहाँ पे नंबर्स तो 15 लिखा हुआ है, 1, 5, 15. यस, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका राइट नंबर इसके पास लेके आएंगे. तो जैसा कि मैंने यहाँ पे 11 को रख दिया है और 15 को 11 की जगह पे. चलिए अब दोबारा से हमने फर्स्ट नंबर को अरेंज कर लिया उसकी सही डॉट्स पे. अब हम सेकंड को काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. लेकिन यहाँ पे क्या है, 1, 7, 17, और ये स्टार्स कितने हैं, ओनली 12, और यहाँ पर 17 है. तो इसको भी हम इसकी राइट प्लेस से राइट नंबर को यहाँ पे रखेंगे. देखिए मैंने यहाँ पे 12 को रख दिया. अब मैं काउंट करूँगी यहाँ पे जो स्क्वायर्स बने हुए हैं इसको, ठीक है? तो चलिए मेरे साथ काउंट कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास बेटा, 13. ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 2020 लिखा हुआ है ना. तो अब हम क्या करेंगे, 20 को उसकी सही जगह से हटाएंगे और इसका सही ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखेंगे, जैसे कि 13. ये मैंने 13 को रख दिया, तो हमने 13 को उसकी राइट प्लेस पे रख दिया है. अब हम नेक्स्ट काउंट करेंगे. तो हमारे पास ये किस चीज़ की पिक्चर्स है बेटा, पेंसिल्स. यस, तो हम इन पेंसिल्स को काउंट करेंगे. सबसे पहले काउंट करेंगे और आपको मेरे साथ भी बोलना भी है और काउंट भी करना है. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था बेटा, 14, लेकिन यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 15. तो हम इसको इसके राइट प्लेस पे लेके जाएंगे. ओके, ये मुझे मिल गया 14 और इसको 1 for 14. अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट 19 है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, है ना. तो चलिए काउंट करना शुरू करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कितने फ्लावर्स हैं, 8 फ्लावर्स, और 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. अब यहाँ पे फ्लावर्स कितने हैं, 15. तो हम क्या करेंगे, 15 को इसके राइट प्लेस पर लेके आएंगे. देखिए ये मैंने 15 को इस जगह पे रख दिया. आप देख रहे हैं सारा सीक्वेंस एकदम एग्जैक्ट आ गया है. देखिए 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15. अब नेक्स्ट नंबर क्या आता है 15 के बाद बेटा, 16. चलिए हम चेक करते हैं ये बॉल्स 16 है या नहीं है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and
16, ये बॉल 16 है लेकिन यहाँ पर तो 19 रखा हुआ है, और 16 कहाँ पे, यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 16 को इसके प्लेस पर लेके आएंगे। देखिए अब 16 बॉल्स के आगे 16, 16, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए ये ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं और ये हैं इसके राइट नंबर्स। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 20 है या नहीं है, ठीक है। तो ये बलून्स को हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17। अब यहाँ पर तो 20 है तो हम 20 को उसके जगह से हटाकर 17 को उसके पास लेके आएंगे। तो ये हो गया 1, 7, 17, मतलब कि यहाँ पर 17 बलून्स हैं, ओके। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे, ये स्माइलीज बने हुए हैं, अब इसको भी काउंट करना पड़ेगा कि ये राइट ऑप्शन है या नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे क्या आना चाहिए था बेटा 18, लेकिन यहाँ पर तो 19 है तो हम 18 को इसकी जगह पर लेके आएंगे। देखिए मैंने 18 को रख दिया। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो क्या है, लीव्स है ना, पेड़ों की पत्तियाँ। अब ये कितनी है इसको भी काउंट करते हैं, चलिए मेरे साथ शुरू करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19। अब यहाँ पर तो 20 रखा हुआ है तो हम 19 को इसकी जगह पर लेकर आएंगे, ओके। ये देखिए मैंने 19 को उसके सही ऑब्जेक्ट वाली जगह पर रख दिया है। अब इसके बाद ये कैंडीज है हमारे पास, मैं कैंडीज को काउंट करूँगी कि ये 20 है या नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। देखिए 20 ऑटोमेटिकली अपनी इस राइट जगह पे आ गया, ओके। तो अब हम दोबारा से इसको एक बार काउंटिंग करेंगे कि हमारी काउंटिंग सही अरेंज हुई है या नहीं। 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 90 और 2, 0, 20। देखा हमने सारी काउंटिंग को अरेंज कर लिया एकदम उसके राइट प्लेस पे, ओके। स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अब आपको अपनी कॉपी में इसी तरह से मम्मा की हेल्प से बनवाना है, फिर उसको उसके राइट प्लेस पर। अब आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे तो आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, लाइनिंग से करेंगे, ड्रॉ करेंगे, लाइन्स ड्रॉ करके कंप्लीट करेंगे, ओके। स्टूडेंट्स बाय बाय, स्टूडेंट्स स्टे होम बी सेफ।